हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम करने वाले हैं M1005 प्रिंटर के कार्टेज की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये कार्टेज मैंने कहाँ से ख़रीदी और कितने में ख़रीदी और आपको ये कार्टेज खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस कार्टेज की कंपनी का नाम है जैब्रोनिक्स। तो दोस्तों मैंने जैब्रोनिक्स कंपनी की ये कार्टेज खरीदी है, तो कुछ इस तरीके के डिब्बे में हमें मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जैब्रोनिक्स, यहाँ पर लेजर टूनर कार्टेज LPC 12A और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है 2300 पेज यील्ड आउट और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वेबसाइट का नाम भी दिया गया है और इसका यहाँ आइकन भी बना हुआ है। अगर इस पीछे की साइड देखें तो पीछे की साइड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है लेजर टूनर कार्टेज और यहाँ पर जैब्रोनिक्स कंपनी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ऋतिक रोशन का फोटो दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस प्रकार दिया गया है कि ये आपको प्रिंटर में कार्टेज किस प्रकार लगानी है और कैसे यूज करना है इसको उसमें लगा करके। और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिया गया है कि इस कार्टेज को स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिया गया है कि ये कार्टेज किस किस प्रिंटर में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप इसे किस किस प्रिंटर में यूज कर सकते हो। तो चलो मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके मॉडल नंबर कुछ इस तरीके से दिया गया है और आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जैब्रोनिक्स। अगर पीछे की साइड देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है यूज बिफोर मई 2025। तो चलो इसे डिब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार की कार्टेज इसमें निकलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें ये दिया गया है। तो चलो मैं इसे बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो डिब्बे में से कुछ इस तरीके से ये भी निकला है, पता नहीं क्या है ये। तो चलो इन्हें रखते हैं साइड। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की कार्टेज हमें मिलती है। तो चलो मैं इनको भी निकाल लेता हूँ और इसे साइड रखता हूँ इन्हें। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कार्टेज कुछ इस तरीके की मिलती है, आप देख सकते हो ये सील पन्नी में पैक हुई हुई है। तो चलो इसे पन्नी से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी पन्नी निकाल दी है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की कार्टेज मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नाम दिया गया है, यहाँ पर लिखा है लेजर टूनर कार्टेज JDB LPC 12A, यानी कि दोस्तों इस कार्टेज का जो नाम है वो 12A कार्टेज का नाम है इसका। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कार्टेज मैंने कहाँ से ख़रीदी है। तो दोस्तों ये कार्टेज मैंने ऑफलाइन दुकान से ख़रीदी है और ये कार्टेज मुझको मिली है 400 रुपये की। अगर दोस्तों इसकी वारंटी की बात करें तो उन्होंने दुकान वालों ने मुझे बोला है कि जब तक इसमें ब्लैक पाउडर यानी कि टूनर इसमें है तब तक इसकी गारंटी है। और दोस्तों अब तो इसको यूज करने के बाद ही पता लगेगा कि ये कार्टेज अच्छी है या बेकार है। तो दोस्तों मैं इसको एक महीने यूज करने के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा इस कार्टेज के ऊपर कि ये कैसे वर्क कर रही है और आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों मैंने इस कार्टेज को इसलिए ख़रीदा है क्योंकि जैब्रोनिक्स कंपनी की बहुत सारी कंप्यूटर की चीज़ आती है, इसलिए मुझे लगता है कि कार्टेज बहुत ही अच्छी होगी। और दोस्तों इसके एक महीने बाद मैं इस कार्टेज का फुल रिव्यू दूंगा कि ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।